भाइयों और बहनों, देश भर में भाजपा के पक्ष में जो लहर है उससे कांग्रेस और उसके महामिलावटियों की नींद उड़ गई है। बौखलाहट में ये मुझे कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, किस तरह अपमानित कर रहे हैं, ये सारी बातें हिंदुस्तान का हर मतदाता देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। अब मुझे बताइए, इस सभा में इतनी भीड़, और मुझे बताया दो दो घंटे से लोग आए हुए हैं और ऐसी गर्मी में आए हुए हैं, ये नजारा जैसे जैसे उनको पता चलेगा गालियां बढ़ती जाएगी। अगर पहले छोटी गाली दी तो बड़ी गाली देंगे। साथियों, ये लोग हर रोज हद पार कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिसके भी नाम में ये बोल रहे हैं साहब, जिसके भी नाम में मोदी लगा है वो सारे चोर है। ये कैसी राजनीति है भाई, ये कौन सी राजनीति का स्तर है। इन्होंने तो एक पूरे समाज को चोर बोल दिया, और वो भी सिर्फ तालियां बजवाने के लिए। आपके इस चौकीदार को नीचा दिखाने के लिए। ये मानसिकता है सल्तनत वाली मानसिकता है, जो हर वंचित, पीड़ित, शोषित समाज को इस प्रकार की हीन नजर से देखता है और वे इसे अपना गुलाम समझता है। भाइयों और बहनों, आज नामदार ने मोदी को गाली दी, कल आदिवासियों को दे सकते हैं, परसों किसी और को। हमारे आदिवासी पहनावे का ये लोग खुलकर मजाक उड़ाते ही है। जो भी इनके परिवार को, इनके वंशवाद को चुनौती देगा, उनको ये इसी तरह गालियां देते हैं। साथियों, सच्चाई ये है कि जब पूरे पूरे पिछड़े समाज को, आदिवासी समाज को ये गालियां देते हैं, तब खुद की स्थिति कभी देखते नहीं है। नामदार परिवार में ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर है। और वो अब तो मुख्यमंत्रियों को भी पसंद करते हैं, तो उसका क्राइटेरिया जमानत होता है। जो जमानत पे आते हैं उन्हीं को पसंद करते हैं वो। और मैं हैरान हूं, ये जो यहां साहू समाज है हमारे छत्तीसगढ़ में, अगर ये लोग गुजरात में होते तो उनको मोदी कहते। राजस्थान में होते तो राठौर कहते, साउथ में होते तो बनियार कहते। क्या सारे मोदी चोर है क्या? ये क्या भाषा बोल रहे हैं? सोचिए, वो कांग्रेस जो देश के ईमानदार टैक्स देने वालों को स्वार्थी बताती है, लालची बताती है, उसके खुद के नामदारों पर करोड़ों करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का केस चल रहा है।